आते हैं हम लोग सर द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें सर, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. कहता है अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, कभी सर आप कभी मिसाइल को फेंकते हुए देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मिसाइल है तो इसको कभी फेंकते हुए देखें ऐसे. भाला कभी फेंकते हुए देखें सर, भाला जब भी फेंकाता ऐसे, कभी लोग ऐसे भाला नहीं फेंकता. अगर ऐसे जाएगा तो इसको हम रेखीय गति कहते हैं, अगर ऐसे जाएगा तो इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, अगर ऐसे ऐसे करेगा तो इसको हम दोलनी गति कहते हैं, और अगर ऐसे आएगा तो इसको हम प्रक्षेपी गति कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, ये रेखीय गति है, ये वृत्तीय गति है, ऐसे ऐसे करेगा ये दोलनी गति है. सबको हम लोग पढ़ेंगे, अब फिजिक्स बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, लेकिन क्लास आप रेगुलर कीजिए तब. ये कौन सी गति है भाइयों, रेखीय गति है, ये वृत्तीय गति है, ये दोलनी गति है, और अगर हम ऐसे जाते तो ये प्रक्षेपी गति है. तुमको अगर नहीं समझे सर, मैं समझाता हूँ आपको, अब एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिए. अगर ऐसा है ये रेखीय गति है, अगर 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 ऐसा है ये वृत्तीय गति है, अगर ऐसा है ये दोलनी गति है, अगर ऐसा है इसको हम कहते हैं प्रक्षेपित. कौन गति सर, प्रक्षेपित. यानी ऐसे भाला फेंकना, मिसाइल फेंकना, ये सब क्या है, प्रक्षेपित गति का एग्जांपल है. अब गौर से देखिएगा, अगर कोई पिंड प्रक्षेपित गति में है, तो अगर मान लीजिए कि एक बॉल हम यहां से फेंकते हैं और ये बॉल ऐसे जाती है, सर गौर से देखिए, ये जो बॉल जा रही है तो ये यहां थी, एकदम आराम से चला, ये बॉल का कंडीशन यहां है, अब ये बॉल यहां गया, अब ये बॉल यहां गया, तो यहां से यहां तक आया. अगर बॉल यहां से यहां गया तो इतना उदग्र में दूरी तक किया वर्टिकल में, और इतना क्षैतिज में दूरी किया हॉरिजॉन्टल. फिर जब ये बॉल यहां से यहां गई, इतना दूरी उदग्र में तय किया और इतना दूरी क्षैतिज. ये क्षैतिज दूरी, ये उदग्र दूरी, ये क्षैतिज दूरी है, ये उदग्र दूरी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. अब गौर से देखो, अगर कोई बॉल ऐसे जाती है तो ये केवल क्षैतिज दूरी तय करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और अगर कोई बॉल ऐसे जाती है ये केवल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उदग्र दूरी तय करेगी. ऐसे जाएगी क्षैतिज दूरी तय करेगी, ऐसे जाएगी उदग्र दूरी तय करेगी. लेकिन अगर ऐसे जाएगी, तुम गौर से देखो, अगर बॉल का पोजीशन ये है और बॉल यहां पहुंच जाती है, तो एक ही समय में ये दो दूरी तय करता है, क्षैतिज में इतना दूरी और वर्टिकल में इतना दूरी. ध्यान दीजिएगा, अगर 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 किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वह क्षैतिज में दूरी तय करे तो उसे रेखीय गति कहते हैं, या उदग्र में दूरी तय करे तो उसे रेखीय गति कहते हैं. लेकिन अगर किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वह एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी और उदग्र भी, देखिए यह क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है, उदग्र दूरी भी तय कर रहा है, यह क्षैतिज दूरी है, यह उदग्र दूरी है, क्षैतिज उदग्र. अगर किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वह एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं. देख लो, अगर एकदम आराम से चला, अगर ये बॉल यहां थी, यहां से यहां गई, तो एक ही समय में इसने दो दूरी तय किया, ये क्षैतिज और ये उदग्र, क्षैतिज उदग्र. यहां फिर यहां आया, इतना क्षैतिज दूरी तय किया, इतना उदग्र. अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी यहां से, अगर कोई बॉल यहां से यहां गया, इतना क्षैतिज दूरी तय किया, इतना उदग्र दूरी तय किया, फिर यहां आ गया, इतना क्षैतिज दूरी तय किया, इतना क्षैतिज में गया, इतना उदग्र वर्टिकल में गया. अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं. पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं, प्रक्षेपी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. अब प्रक्षेपी गति का पथ कैसा होता है, परवल देखें सर, ध्यान दीजिएगा, परवल देखें, परवल. हेलो हेलो श्याम नारायण, ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं. ऐसी गति कौन कौन गति कहते हैं, प्रक्षेपी गति कहते हैं. प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है, तो आप अगर कभी देखे होंगे सर, तो प्रक्षेपी का जो पथ होता है वो परवल देखें सर, परवल, परवल ऐसा होता है, ये जो परवल है ना वैसा होता है. तो प्रक्षेपी का जो पथ होता है वो गौर से देखिएगा, तो परवल के आकार का होता है ऐसा, देखिए आधा हाफ परवल आप कर सकते हैं ऐसा. प्रक्षेपी का ऐसे कर दो, फुल परवल हो गया. तो प्रक्षेपी का पथ जो होता है वो परवल के आकार का होता है, इसलिए हम कहते हैं परवलयाकार होता है. कैसा होता है सर, परवलयाकार होता है. प्रक्षेपी का पथ परवलयाकार होता है. प्रक्षेपी गति कहते किसको है, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेपी गति कहते हैं. अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं. क्षैतिज दूरी हो गया, उदग्र दूरी हो गया. अब प्रक्षेपी का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है. कैसा होता है सर, परवल के आकार का होता है, दरी परवलयाकार होता है. अब देखिए इसका एग्जांपल, भाला फेंकने पर भाले की गति. अभी सर अगर भाला फेंके होंगे तो भाला फेंकने पर भाले की गति प्रक्षेपी गति. भाला फेंकने पर भाले की गति कौन गति है, प्रक्षेपी गति. ऐसे जाता है. मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति देखना, तो मूवी से मिसाइल चलाता वैसे आता है. मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति प्रक्षेपी गति. अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं या छक्का मारने पर बॉल की गति. यहां से अगर कोई बैट्समैन छक्का मारेगा तो बॉल ऐसे जाएगा, तो देखो ये प्रक्षेपी गति है. कहता है गौर फरमाइएगा, अगर कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज तथा उदग्र तय करता है, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं. प्रक्षेप्य का पथ परवल के आकार का होता है, दैट इज परवलयाकार होता है. छक्का मारने पर बॉल की गति देखो ऐसे जाएगा. भाला फेंकने पर भाले की गति ऐसे जाएगा. मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति देखो ऐसे जाएगा. मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसे होगा,
ये प्रक्षेप करती है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, कल का वीडियो सर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कल वीडियो आ गया, कल सर थोड़ा सा ऐप पे काम चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हुआ था। सर देखिए प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन बताया, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे यानी क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है सर, परवलयाकार होता है, भाला फेंकने पर भाले की गति ऐसे जाएगी, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसे जाएगी, छक्का मारने पर बॉल की गति ऐसे जाएगी। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट में, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझते हैं सर कि अगर मान लो हम ऐसे फेंकते हैं किसी भी वस्तु को ऐसे लाइक दिस, तो यहां पर अगर फेंकेंगे हम सर इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, मान लेते हैं वो वेग यू है, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, प्रारंभिक वेग को यू से अंतिम वेग को भी से, प्रारंभिक वेग यू, वेग दो प्रकार का, एक प्रारंभिक एक अंतिम, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को भी से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर इस वस्तु को हम यू वेग से फेंकते हैं, मान लो ये कोई बॉल है, इसको हम यू एकदम आराम से समझेगा सर, आप अगर समझने में कि काबिल और समझने की काबिलियत आप में है तो आप फिजिक्स आपको भारी नहीं है, नहीं या फिर तो कोई बात नहीं। कहते हैं अगर हम यू वेग से फेंकते हैं तो इसका देखिएगा दो कंपोनेंट होगा, एक यहां से अगर थीटा कोण पर फेंकते हैं, कौन कौन पर फेंकते हैं सर, अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर फेंकते हैं तो आपको याद होगा सर हमने जस्ट पिछले ही क्लास में आपको पढ़ाया था और कहा था कि इस कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, अगर ये एफ है और ये थीटा है तो ये हो जाता था एफ कॉस थीटा और ये हो जाता था एफ साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एफ है और ये थीटा है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये कॉस थीटा ये एफ, अगर ये यू है, यू वेग से माना कि प्रारंभिक वेग यू है, ऐसे बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं जो थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, बताइए इसके साथ कौन बना रहा है, ये यू कॉस थीटा एकदम आराम से चला, पहली बार में 2% बुझाता है फिर रिपीट करेंगे तो 100% होगा, और इधर का जिसके साथ कौन बनाया यू कॉस थीटा, जिसके साथ कौन नहीं बनाएगा वो क्या होगा यू साइन थीटा, देखिए इसके साथ कौन बना दिया एफ कॉस थीटा और इसके साथ कौन नहीं बना दिया एफ साइन थीटा, अगर पिछला क्लास किए होंगे तो बताए थे कि अगर ये एफ और ये थीटा होती है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, क्लास रेगुलर कीजिए नहीं तो बुरा में जाइएगा, फिर दूसरा मास्टर खोलना पड़ेगा, मामला गड़बड़ हो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बच्चे क्लास रेगुलर नहीं कर पाते हैं, सिंसियरिटी नहीं दे पाते इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को लाइव क्लास कीजिए जैसे आपकी सिंसियरिटी बनी रहेगी, 7:30 बजे मेरे बैच में आप देखिएगा हजारों हजार बच्चे अभी क्लास में रख रहे हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा लाइव मेरा है साइंस में, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सर साइंस में जुड़िए 7:30 बजे वाली क्लास में, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है, यू डोंट हैव अ टाइम, समय ही नहीं है आपके पास, फुर्सत कहाँ है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, 2 महीना टाइम निकाल ले तो सोच नहीं सकता कि सब तक नुकसान होगा, और वो भी हर क्लास को आप कोशिश कीजिए लाइव पढ़ने का, मैं बार बार बोला जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क की सुविधा है तो आप लाइव पढ़िए सर, नहीं तो बड़ा कष्ट में फंस जाएगा, आपकी सिंसियरिटी कितनी होती है वीडियो क्लास में मेरे को पता है, अगर ये थीटा है तो इधर यू कॉस थीटा होगा, इधर यू साइन थीटा, अगर मान लेते हैं किसी वस्तु को तुमको सर नहीं समझे, हम जानते हैं तुम नहीं समझ पा रहा होगा, हम एक बार और समझाएंगे तुमको तब तुम समझ पाएगा, देखो मान लेते हैं कि इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं कोई बॉल है और इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं यू वेग से हम फेंकते हैं, किस वेग से फेंकते हैं सर, ये एकदम आराम से ये यू वेग से हम फेंकते हैं किसी वस्तु को, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं सर, ये मान लेते हैं हमने फेंक दिया, कितना वेग से फेंका सर, यू वेग से फेंक दिया, किस कोण पर सर, कोई ना कोई कोण होगा, आप ये कहे कोण होगा सर, क्योंकि अगर आप इसे मारते हैं तो ये क्षतिज हो जाएगा, छक्का मारने के लिए किसी न किसी कोण पर बॉल को फेंकना होगा, क्षतिज से कोई ना कोई एंगल होगा जिस पे बॉल को मारना, ऐसे आप मारिएगा बिना एंगल के तो वो चौका हो जाएगा, छक्का अगर मारना है मिसाइल अगर फेंकना है तो इसे नहीं फेंकेंगे, इसे फेंकते क्षतिज से कुछ ना कुछ कोण होगा, तो कहते हैं कि अगर यू वेग से थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है इसका जो क्षतिज घटक होता है ये यू कॉस थीटा होता है, क्यों, क्योंकि हमने कहा है जिसके साथ कोण बनाएगा, जिसके साथ कोण बनाएगा वो एफ कॉस थीटा, अगर ये एफ है ये थीटा है, एफ कॉस थीटा, अगर ये यू वेग से फेंकते थीटा कोण पर ये यू कॉस थीटा है और ये हो जाएगा भाई मेरे यू साइन थीटा, ठीक है ये हो जाएगा क्या यू साइन थीटा, सर बहुत सारा क्लास करना पड़ता है तो हम आपको बोले सर 15 से घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 2-3 महीने की तो बात है, अब देखिए ये यू कॉस थीटा ये यू साइन थीटा, अब अगर हम यहां से फेंकते हैं तो हमने कहा अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है तो उसे हम प्रक्षेपित गति कहते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको ये दोनों आंख को छूना है एक समय में, अलग अलग समय में तो एक भी एक उंगली से छुआ जाएगा, लेकिन अगर सेम समय में दोनों आंख को छूना है तो एक उंगली से कभी छुआ सकता है, उसके लिए दो उंगली चाहिए, ऐसे एक ही समय में दोनों छूने के, हम कहते हैं अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपित गति कहते हैं, तो एक ही समय में दो दूरी का मतलब हुआ कि दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए, दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए, कितना वेग चाहिए सर, दो दूरी तय करने के लिए दो वेग चाहिए, जैसे दो आंख को एक ही समय में कहता है प्रक्षेपित गति, वह गति जहां एक ही समय में दो दूरी तय किया जाए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दो आंख को एक ही समय में छूने के लिए दो उंगली चाहिए, वैसे ही दो दूरी को एक ही समय में ट्रेवल करने के लिए दो वेग चाहिए, ये देखिए आपके पास दो वेग है, एक है यू कॉस थीटा एक है यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा का काम है क्षैतिज में ले जाना, क्षैतिज दूरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और यू साइन थीटा का काम है ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर में ले जाना, यू कॉस थीटा क्षैतिज में ले जाएगा, यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर में ले जाएगा, यू कॉस थीटा क्षैतिज में ले जाएगा, यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर में ले जाएगा, ध्यान दीजिएगा अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करेगा तो उसके पास दो वेग होना चाहिए, क्योंकि दो आंख छूने के लिए दो उंगलियां चाहिए एक ही समय, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करेगा तो उसके पास दो वेग होना चाहिए, इसके पास दो वेग है, ये यू कॉस थीटा है, ये यू कॉस थीटा है जो इसको क्षैतिज में ले जाएगा, और ये यू साइन थीटा है जो इसको ऊर्ध्वाधर में ले जाएगा, वर्टिकल में ले जाएगा, तो यू कॉस थीटा का काम है ऐसे ले जाना और यू साइन थीटा का काम है ऐसे ले जाना,
आप गौर से देखिएगा, यू कॉस थीटा एकदम सीधे ले जाएगा क्षैतिज में, इसका मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता। लेकिन यू साइन थीटा का अगर यहां पर बॉल में से मारते हैं, यहां वेग ज्यादा होगा, धीरे धीरे वेग घटेगा और यहां घटते घटते ये शून्य हो जाएगा और फिर नीचे आएगा तो बढ़ेगा। किसी भी बॉल को आप मारिएगा सर, जब मारते हैं तो उसका वेग महत्तम होता है, जब मारते हैं तो वेग महत्तम होता है, महत्तम होगा तो धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते यहां शून्य हो जाएगा और यहां से नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा। यानी एकदम आराम से 1% भी जाएगा। अगर यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि यू साइन थीटा का मान पहले जब मारते हैं तो ज्यादा होता है, धीरे धीरे घटता है और फिर बढ़ जाता है। आप कहिएगा जैसे क्वेश्चन लड़का से पूछता है, बताओ महत्तम बिंदु पर प्रक्षेप में महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना होगा, तो लड़का कहता है जीरो। नहीं सर, ये यू साइन थीटा का मान जैसे जैसे मारते हैं धीरे धीरे घटते 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 यहां यू साइन थीटा का मान जीरो हो जाता है, जबकि यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता। अगर यहां पर यू कॉस थीटा भी जीरो हो जाता, आप जानते हैं कि वेग जीरो होने के बाद पिंड गिर जाता है, तब तो यहां पता चला इसे जाता आई से गिर जाता। ऐसा होता है क्या? ये जो आगे ले जाने वाला काम है ये यू कॉस थीटा करता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, हर जगह समान होता है। एकदम आराम से 2% बुझाएगा, देखो फिर समझाएंगे तब बुझेगा। हमने कहा कि एक ही समय में दो आंख छूने के लिए दो उंगलियां चाहिए, एक ही समय में दो दूरी ट्रेवल करने के लिए दो वेग चाहिए, अगर इसको क्षैतिज में भी ट्रेवल करना, उधर में ट्रेवल करना, क्षैतिज में ट्रेवल करने के लिए यू कॉस थीटा चाहिए, उधर में ट्रेवल करने के लिए यू साइन थीटा चाहिए, और यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि यू साइन थीटा को यहां मारते हैं तो ज्यादा होता है, धीरे धीरे जीरो होता है और फिर बढ़ जाता है। यानी यहां से यहां अगर हम जाते हैं यू साइन थीटा के लिए, यू साइन थीटा का मान घटता है, और जब उतरते हैं तो यू साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर से एकदम धीरे धीरे हो जा, एकदम आराम से हो जा, फिर कहते हैं अभी नहीं बुझा होगा, हम पहले चैप्टर जब खत्म करेंगे तब अपने आपसे पूछना क्या बुझेगी नहीं बुझे, अभी नहीं पूछना, ठीक ना। कहते हैं अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसके पास दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक एक उदर घटक, क्षैतिज घटक होता है यू कॉस थीटा और उदर घटक होता है यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, क्षैतिज घटक पूरे प्रक्षेपित गति में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बदलता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंज इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन, बट वर्टिकल यू साइन थीटा इज चेंज्ड एंड व्हाट इज द चेंज, जब हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घटता है, और जब यहां आते हैं तो शून्य हो जाता है, और जब इधर आते हैं तो फिर बढ़ता है। कहेगा घटता बढ़ता है सर, देखिए इसे मारेंगे तो यहां वेग ज्यादा होगा, धीरे धीरे घटके शून्य होगा और फिर इधर से आएगा तो बढ़ जाएगा। यहां पर कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना, कहेंगे शून्य नहीं होता प्रक्षेप गति, बाकी सभी गति में महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य, क्योंकि अगर यहां शून्य हो जाएगा वेग तो इसे जाएगा और इसे लौट के चला, जो कि नहीं होता, तो पता चला कोई छक्का मारा ऐसे गया वहां छक्का के लिए बॉल के लिए इंतजार कर रहा, बॉल कहेगा डूम, ऐसे होता है क्या? पापा मम्मी के लिए पढ़ना होगा, समाज के लिए पढ़ना होगा, सीख। अगर कोई पिंड यू वेग से, मान लेते प्रारंभिक वेग यू है, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसके पास दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा एक उदर घटक यू साइन थीटा, क्षैतिज घटक का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि उदर घटक यू साइन थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। इतने तक थ्योरी है, तुमको कहकर बताओ क्षैतिज घटक का मान कहीं बदलता, कहेंगे 999 बदलता, कहेंगे महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य, कहेंगे 999 होता, वो यू कॉस थीटा के बराबर होता है, इसके बराबर होता है यू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखो एकदम आराम से धीरे धीरे हो राजा, करे जम समा जा, ना तो एको रति माजा ना मिली, ना खूब पढ़ो ना तो जेबा बोरा में, हाँ 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 आरके सिंह सर का मैथ के लिए सर लाइव, हाँ बहुत जल्द बहुत जल्द, ध्यान दीजिएगा फिर समझाएंगे। अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसका क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा और उसका उदर घटक यू साइन थीटा, और क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा है ये पहले सर घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ता है, पहले घटता फिर शून्य होता फिर बढ़ता, यू कॉस थीटा कहीं नहीं, तो यहां से जो यहां तक की दूरी है, ये जो क्षैतिज दूरी जिसको आप कहती है जानमन, ये जो क्षैतिज दूरी है जान हमार, ये रेंज है परास है, बराबर कुड़िया रहा ना कुड़िया उतनी कम पढ़ो उतनी ज्यादा, ये रेंज है परास है, क्षति में तय की गई दूरी को हम परास या रेंज कहते हैं, और ये जो हाइट चली आप देख रहे हो, चला आप देख रहे हो, इसको हम एच मैक्स कहते हैं, महत्तम ऊंचाई। अरे ब्रश रख लिया ए भूख लग रहा है, भूख है तरह खूब लगता है, जैसे पढ़ने बैठे का मगर भूखे लग रहा है, रात हो गया कहीं खा लिया तो मगर नींदे लग जाएगा, कैसे होगा? 2 महीने की बात है, जितना उल्टा पुलटा काम तुम करता है रात उसमें उस मत किया करो, एनर्जी अपना बचा के रखो, ठीक ना, एनर्जी बचेगा ना मगर भोकाल ला देगा, एनर्जी एकदम सेव करो, कोई उल्टा पुलटा काम अभी नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। कहते हैं अगर ये रेंज है, ये परास है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति में क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं, इसको महत्तम ऊंचाई कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, ध्यान देना इसको क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई। अब चढ़ने में लगे समय को चढ़ान का, चढ़ना समझता है रे, आप उतरने में लगे समय को उतरान का, आप उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान का, बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझना तक ध्यान से एकदम आराम से। अगर कोई पिंड यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसके पास दो घटक है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा उसको क्षैतिज में ले जाता है और यू साइन थीटा उसको उदर में ले जाता है, जो पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ता है, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता, क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं, और उदर में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहेंगे। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल छोटी थी, उतरने में लगे समय को उड़ान काल छोटी थी, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल बड़ी थी। चढ़ान काल क्या है, किसी वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाने में लगे समय को चढ़ान काल, किसी वस्तु को महत्तम बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को उड़ान काल, और किसी वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल। कुड़िया उतनी कम पढ़ो उतनी ज्यादा, हाथ निकालो चुट्टा पढ़ना होगा तुझे, कुछ करना होगा तुझे, अब समय आ गया है, उठ 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 के बैठ, मार बोकाने में दू झापड़। फिर से देखेगी हम, कहते हैं अगर किसी पिंड को हम ऐसे फेंकते हैं जान, हमारे प्राण ये यू वेग से जाता है और थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, इसको कहते हैं यू कॉस थीटा और इसको कहते हैं यू साइन थीटा, समाज के लिए कुछ और चला, यही वक्त है,
इसको कहते हैं u cos थीटा, इसको कहते हैं u sin थीटा। u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता, u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता, u sin थीटा का मान पहले घटता फिर शून्य होता और फिर बढ़ता। कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान, कहेंगे बाप रे बाप महत्तम बिंदु पर u sin थीटा का मान 0 होता है, लेकिन u cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता है। u sin थीटा का मान पहले घटता फिर शून्य होता फिर बढ़ता। अब देखो क्षैतिज में तय की गई दूरी को, क्षैतिज में सुना हम और एकदम आराम से, क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं, महत्तम ऊंचाई को h max कहते हैं, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। जान लीजिए फिर समझा देंगे, इतने प्रकार खत्म प्रोजेक्ट टाइम मोशन। अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका एक क्षैतिज घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होगा, ये थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा जो पूरे प्रक्षेपित गति में कहीं नहीं बदलता, उधर घटक होगा u sin थीटा जिसका मान पहले घटता फिर शून्य होता और फिर बढ़ता, पहले घटता फिर शून्य होता फिर बढ़ता। क्षैतिज में जो तय की गई कुल दूरी को रेंज या परास कहते हैं, उधर में तय की गई दूरी को h max कहते हैं। आज ये न्यूमेरिकल का क्लास नहीं है इसलिए मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, इसका न्यूमेरिकल आपको मंडे को मिलेगा न्यूमेरिकल वाले क्लास में। ये महत्व ऊंचाई है, चढ़ने वाले समय, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, यही तो हमने कहा है। अब चलिए इस थ्योरी में देखिए, आपके सामने ये फिगर होगा आपके पास, कहते हैं ये हो गया u वेग से फेंके थीटा कोण पर, ये हो गया आपका u cos थीटा, ये हो गया आपका u sin थीटा, यहां क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं, उधर में तय की गई दूरी को h max कहते हैं, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल। महत्तम बिंदु पर जो वेग का मान होता है वो जीरो नहीं होता, ये u cos थीटा के बराबर होता है। देखिए आपके सामने है अगला पेज, कहता जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक कंपोनेंट होते हैं, क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उधर घटक u sin थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है u cos थीटा, उधर घटक क्या होता है u sin थीटा। u cos थीटा का मान, u cos थीटा का मान ऐसे वाला, u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेपित गति में कहीं नहीं बदलता, u sin थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ता। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले वाले किसी आवेशित कण की गति प्रक्षेपित गति होती है, इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे और करंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है मान लेते हैं चला लेफ्ट थीटा प्रक्षेपण कोण है, थीटा क्या है प्रक्षेपण कोण है, प्रोजेक्टेड एंगल है, कितना एंगल से फेंका, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल से फेंकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल से फेंकना पड़ेगा, बिना एंगल से फेंके वो चौका हो जाएगा, चौका हो जाएगा तो निरपेक्ष गति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अभी वाला पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ टेलीग्राम चैनल पे, एसके झट पीडीएफ का जो चैनल है जिसमें 70,000 मेंबर है उस चैनल पे आप लोग जाइए, सर आप लोग 1.5 लाख वाला जो मेरा फेक है, ठेके का 1.5 लाख है हमारे 70,000, ऊपर 2 लाख चल गया है, सब उल्टा जो भी लड़के हैं वो उसमें चले गए, वो वहां से एग्जिट करेंगे और 70,000 वाला जो ग्रुप है उसमें इन करेंगे, वहां पर आपको सारा चीज टाइमली मिल जाएगा। थीटा प्रक्षेपण कोण है, कितना कोण से फेंका गया, यू प्रारंभिक वेग है जिस वेग से फेंका गया, जी गुरुत्वीय त्वरण होगा, कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते होंगे, इसका वैल्यू भी आप जानते होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं जानते तो आप जानिए, जी का जी जहां भी रहेगा इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बारे में विस्तार चर्चा ग्रेविटेशन में करेंगे। छोटी टी चढ़ान या उतरान काल है, चढ़ान या उतरान काल है, एच मैक्स की अगर बात करोगे तो महत्तम ऊंचाई है, आर की अगर बात करोगे परास है, टी की अगर बात करोगे तो उड़ान काल है। हमने आपको क्या कहा था, आपको याद होगा कि ये जो आर है ना ये रेंज है परास है, छठी में तक की गई दूरी, इसको महत्तम ऊंचाई कहते हैं, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल छोटी टी कहते हैं, उतरने में लगे समय को उतरान काल छोटी टी कहते हैं और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये सारा कुछ है हमारा, थीटा प्रक्षेपण कोण है, यू प्रारंभिक वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, टी चढ़ान या उतरान काल है, एच मैक्स महत्तम ऊंचाई, आर परास है, टी उड़ान काल, ये मान लेते हैं। तो पहले तो परास क्या होता है, हमने आपको कहा सर परास क्या होता है, यही ना परास है, यहां से यहां तक जो छठी में तक की गई दूरी को क्या कहते हैं, परास, जो छठी में तक की गई दूरी है उसको क्या कहते हैं, परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो कहता है क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं, परास का फॉर्मूला है आर बराबर, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, रेंज परास, रेंज बोले तो क्या चला परास, एकदम आराम से, रेंज यानी परास, हमने कहा ये जो क्षैतिज में तय की गई दूरी है इसी को हम रेंज या परास कहते हैं। अगर मान लो u वेग से फेंका गया, थीटा कोण पर फेंका गया, तो परास का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले तक मेन है चला, यू स्क्वायर साइन 2θg, ये फॉर्मूला होता है। तुम कहोगे मास्टर कहां से लाया प्रूफ बताओ, प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कभी तुम्हें पूछता है मैथ वाला मास्टर से कि sin a + v / sin into cos b + cos into sin a, पहले बताओ कहां से आया, तब हम क्वेश्चन में लगाएंगे ना, वो कहां से आया उतना पहले पढ़ना था प्रूफ जो तुम बचपन में पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ना, तुमको खाली जान लेना कि फॉर्मूला होता है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स या डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्या कहेगा बताओ, इसको साबित कीजिए, 10 नंबर देंगे, हम जो चीजें पढ़ना उसको नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला कहां से आया, सर 40-50 को फॉर्मूला है, बुक आ रहा है उसमें मेरे फॉर्मूला को कर दिया है, आपको एक बार देखिएगा 3-4 पेज आपका सारा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2θg, यू स्क्वायर साइन 2θg, ये फॉर्मूला होता है। तुमको कहां से आया उसका कोई माई बात नहीं, ना पढ़ना है ना पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना रहता तो पढ़ा देते। अब अगर हम साइन 2θ की बात करें, यू स्क्वायर साइन 2θg है, इसका मान मैक्सिमम कब होगा, साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और वो कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कब होगा थीटा, ये पूरा का वैल्यू 90 डिग्री कब होगा 2θ का वैल्यू, जब थीटा का मान 45 डिग्री, अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री पुट करते हैं जान हमारे, आर आर नहीं रहेगा, आर मैक्स हो जाएगा, और आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 × 45 अब बटा जी, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा हमारे यू स्क्वायर साइन 45 × 90 साइन 1 अब बटा जी, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। अगर किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी जो क्षैतिज में चली गई कुल दूरी आर वो यू स्क्वायर साइन 2θg के बराबर होगी। अगर इसका मान मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 1 होगा, जब ये वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा 45 90 हो, ये पूरा थीटा की जगह वैल्यू 90 हो, ये 90 कब होगा, जब ये थीटा 45 हो, इतना आसान है नौकरी लेना, समझना पड़ेगा। हमने कहा यार का वैल्यू होता है u² sin 2θg,
ये मैक्सिमम कब होगा, ये फॉर्मला होता है तुमको मानना पड़ेगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा, 90 डिग्री होने के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होना पड़ेगा, तब तो साइन 2 इनटू 45 बराबर साइन 90, तब ये 1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री साइन 2 थीटा बटा जी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। अब तुमको कहेगा बताओ कितना कोण से फेंके कि क्षैतिज में महत्तम दूरी ट्रेवल करे, हम कहेंगे 45 डिग्री के कोण पर, कहेगा आपको कितना कोण से फेंके, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके लिए हम आपको बोले 7:30 बजे वाला शाम वाला क्लास और 9 बजे मेडिकल क्लास, दोनों जगह यही बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, और यहां भी हम आपको बताते हैं क्या पूछेगा, क्वेश्चन आप एक सवाल देखेंगे ऐसा नहीं वही बताएंगे, यहां भी बताएं आपको क्वेश्चन पूछता होगा बताइए कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जाएगा, क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा, कहेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका जो रेंज होता है वो रेंज जो है क्षैतिज में तय की गई दूरी वो मैक्सिमम होता है, गौर फरमाइएगा क्या कहते हैं, परास, परास बोले तो रेंज, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं, क्षैतिज में चला दूरी तय करेगा, ये जो ये क्षैतिज की दूरी हॉरिजॉन्टल दिशा में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ट्रेवल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज, और महत्तम ऊंचाई अगर कहेगा उधर में एचमैक्स की अगर बात करेगा तो कहेंगे महत्तम में तय की गई दूरी, उधर में तय की गई दूरी को महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज कहते हैं, परास कहते हैं, r इक्वल टू होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g, थीटा का मान 45 डिग्री लिया तब हो गया r मैक्स यहां r था अब यहां r मैक्स हो गया u स्क्वायर sin 2 * 45 बटा g, और ये sin 90 हो गया, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ये हो गया r मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर / g, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग ग्रुप बी की तैयारी करते हैं NTPC का क्वेश्चन आ गया, अगर हम सर सोच भी नहीं सकते थे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन से जो क्वेश्चन पूछा, कभी आप जाके चैप्टर में बनाइए प्रीवियस ईयर आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन 1956 में पूछा जाता था, अब भी पूछा जा रहा है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहते हैं अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से, क्षैतिज से कितना कोण पर 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करता है, महाविद्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं उनको फिर से दूसरा टीचर सर खोजना पड़ जाएगा, इसका एकदम 150% गारंटी, अगर आप एक से दो वीडियो भी स्किप मारते हैं तो आपको दूसरा टीचर खोजना पड़ जाएगा, तैयार हो जाइए उसके लिए, या फिर से मेरे ही बैच में एडमिशन लेना पड़ जाएगा, अगर रेगुलरली वीडियो अपलोडेड है आप उसको देखिए, सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग सब खोज में नहीं करते हैं, अगर किसी वस्तु को क्षति से कितना डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्षति में महत्तम दूरी ट्रेवल करेगा, अब देखिए उसके बाद आपका महत्तम ऊंचाई है, उड़ान काल है, चढ़ान काल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेंज है, ये जो सर महत्तम ऊंचाई इसी को कहते हैं, उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं, उदग्र मतलब वर्टिकल, इसका फॉर्मूला होता है एचमैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, फॉर्मूला होता है सर एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्या फॉर्मूला होता है सर एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, आपको कहां से लाया इसका कोई पता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला होता है, तीन को फॉर्मूला उसको याद रखना हो, टोटल 50 को फॉर्मूला उसका प्रूफ पढ़ोगे 25 250 पेज पढ़ना पड़ जाएगा, जो कभी कुछ भी नहीं करेगा, अगर यू यू क्या है प्रारंभिक वेग है, थीटा क्या है प्रक्षेपण कोण है, अगर यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है महत्तम ऊंचाई, ठीक है, और एक होता है चढ़ान काल, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा जितना समय चढ़ने में लगता है उतने समय उतरने में लगता है, जितना समय फेंकेगा जितना ऊपर जाने में लगेगा उतने नीचे आने में लगेगा, अब देखिएगा, और ये है आपका उड़ान काल, उड़ान काल हुआ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा / g, और इसका यहां से यहां तक जाने में लगे समय को अगर 10 सेकंड कहेंगे तो ये 5 सेकंड होगा, ये 5 सेकंड, अर्थात चढ़ने या उतरने में लगा समय जो होगा वो बड़ी t / 2 हो जाएगा, चढ़ने में और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय अगर ये है उड़ान काल, तो चढ़ने में लगा समय होगा तो उड़ान काल का बड़ी टीका आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2u sin थीटा / g * 2a, ये कट जाएगा, अब ये हो जाएगा u sin थीटा / g, क्या हो जाएगा सर u sin थीटा / g, ये जो भी लोग ये प्रचार का अड्डा बना दिए हैं विक्रम जी, ये काम आप मत कीजिए, यहाँ पर आप किसी का भी ऐड नहीं कर सकते, और सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आप आते हैं तो आप आइए, वरना आप सर मत आइए, यही यहाँ पर आते हैं, फलना सर मैथ पढ़ाते हैं, आप मैथ के लिए वहाँ जा सकते हैं, ये कुछ टीचर ही हैं जो शायद एडमिशन लेके और अपना प्रचार यहाँ करते हैं, 99% में प्रचार कर रहे हैं ना, ये सब गलत बात है, जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं सर ऐसा ना करें, ये मामला गड़बड़ है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, पढ़ो लिखो रे भाई की कर रहा है, जो भी मास्टर साहब लोग हैं इस ग्रुप में आप सर पढ़िए, वरना मैं आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा, विक्रम मेहता जी, ये प्रचार का अड्डा है, आपका शिक्षक है तो आप ऐसा काम ना करें, उसके लिए आप अपने चैनल से उसका प्रचार करें, यहाँ बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है अलग अलग कमेंट्स देखने से, कुछ ना कुछ समय तो उनका बर्बाद हो भी करता है, अरे भाई पीडीएफ कौन कौन टेलीग्राम पर से ले लिया है, जल्दी से एक टाइप करके बता दो कि हमने पीडीएफ टेलीग्राम से ले लिया था, जिसको नहीं मिल रहा उसको पता चलेगा कि मिल रहा है, देखो अब देखिए हमने कहा कि एचमैक्स हो गया उधर दिशा में चली गई कुल महत्तम चाहिए, उसका साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और उड़ान काल हो गया 2u sin थीटा बटा g, चढ़ान काल हो गया छोटी बड़ी t बटा 2 भागा देंगे u sin थीटा बटा g, अब गौर से देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा महत्तम चाहिए, उधर में तय की गई दूरी को महत्तम चाहिए कहते हैं, जो उधर में तय की गई दूरी है इसको महत्तम चाहिए कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं प्रारंभिक बिंदु से, यहां प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय t बराबर होता है 2u sin थीटा बटा g, फॉर्मूला होता है चढ़ान काल या उड़ान काल, इसको हम टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उड़ान काल कहते हैं, छोटी t बराबर बड़ी t बटा 2 होता है, यानी u sin थीटा बटा g होता है, देखिए सबको पीडीएफ मिल गया, ये कादू बच्चा है जो कहेगा मैं मिल नहीं कर रहा है, जगह नहीं मिल रहा है मतलब का गलती नहीं बच्चा के, वो फर्जी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है, बार बार बोले जैसे 70,000 मेंबर है उससे जुड़िए, 170,000 वाला फेक है, एसके झा ऑफिशियल फेक है, उस सारे ग्रुप से एग्जिट कीजिए, और एसके झा पीडीएफ जिसमें 70,000 मेंबर है उस ग्रुप से जुड़िए, एसके झा सर पीडीएफ वो फेक है, एसके झा ऑफिशियल वो फेक है, एसके झा पीडीएफ जिसमें 70,000 मेंबर है वो मेरा ग्रुप है, बच्चे इसी कंफ्यूजन में दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, विक्रम मेहता को बाहर कर दिया, एकदम बाहर कर देंगे, प्रचार करते हैं मास्टर साहब आप, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे सर,
फिर से देखिएगा, हमने क्या कहा आपको, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करेगा, कौन कौन, एक क्षैतिज भी और एक उदग्र भी, यहां से मान लीजिए बॉल हमने मारा, एक क्षैतिज और एक उदग्र, ये यू वेग से फेंके, थीटा कोण पर फेंके, ये यू कॉस थीटा हो गया और ये यू साइन थीटा हो गया। पूरे प्रक्षेपित गति में यू कॉस थीटा का मान कहीं नहीं बदलता, यू साइन थीटा का मान बदल जाता, पहले घटता फिर बढ़ता, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता, ये केवल यू साइन थीटा का मान जीरो होता है, यू कॉस थीटा का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता। यहां से यहां तक क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं और महत्तम ऊंचाई इसको कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल कहते हैं, उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। ये तो मामला है, सबका फॉर्मुला अलग अलग है। आपको एच मैक्स का फॉर्मुला आपको याद रखना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है, आर का फॉर्मुला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, टी का फॉर्मुला आपको पता है, टू यू साइन थीटा बाई जी होता है। लेकिन ये आप रट्टा मार मार के थक जाओगे तभी याद नहीं, क्यों नहीं यार, कितनों पढ़ लो ये फॉर्मुला नहीं याद होगा, सवाल बनवे नहीं करेगा, चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, तभी सवाल से बनेगा, प्रक्षेप का पद कैसा होता है प्रबलकार, भाला फेंकेंगे तो कैसा पद प्रबलकार, छक्का मारेंगे तो कैसा पद प्रबलकार, मिसाइल फेंकेंगे तो कैसा पद प्रबलकार, कितना डिग्री पे मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, 45 डिग्री कौन सा। लेकिन अगर इसका न्यूमेरिकल बनाना है इसके सवाल फॉर्मुला को ध्यान में, फॉर्मुला याद कैसे होगा, गेम माई इसलिए याद नहीं होगा। चला कि सब जगह देखो दो 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 दो, कहीं पर दो स्क्वायर में है, कहीं पर दो मल्टीप्लाई में, कहीं पर दो स्क्वायर में या मल्टीप्लाई में, यहाँ ये नहीं, यहाँ दो यहाँ मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर में है, यहाँ भी, कहीं पर दो स्क्वायर में, कहीं पर दो मल्टीप्लाई में, कहीं पर दो हाई नहीं, तो पता नहीं चलेगा एग्जाम में को दो है ना, होने चल गया आंसर आएगा 72/76। अजय बुरा में साइंस का मतलब जुगाड़, हम बताएंगे तुमको फॉर्मुला याद कैसे रखना, एक को दो अगर इधर उधर हिल गया था जो तुमको, हम लिखे ना एक को दो हिल नहीं सकता, औकात है दो का हिल जाएगा, जहाँ रखें वही रखेंगे, हम तो इंसान है ना, कंडीशन सप्लाई जुगाड़ मिला हो, साइंस का मतलब है चला जुगाड़, अभी तरह दिखाएं कहाँ फिजिक्स, फिजिक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमको फिजिक्स हम उस कदर आसान बना देंगे, कंडीशन सप्लाई क्लासेस टू भी रेगुलर, क्लास रेगुलर होगा तुम्हारा कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन 7:30 बजे एकदम रेगुलर रहना होगा तुमको हर हाल, वो भी लाइव, नहीं तो बाद में एक नंबर से चुकेगा, कहेगा लाइव कर लेते तो क्लास रेगुलर करते। देखो आज क्लास है 7:30 बजे, सामने आज क्लास है, न्यूमेरिकल खाली मंडे टू फ्राइडे चलता है, टेस्ट लेकिन मंडे टू सैटरडे चलता है, ध्यान देना, एच मैक्स फॉर यूएस का साइंस का 2g होता है, इस सब में दो कहीं है स्क्वायर में, कहीं दो मल्टीप्लाई में, कहीं दो है या नहीं, इसको याद करने का अलग तरीका बताएंगे, एक बार हम पहले शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं और फिर अगले दिन जब आएंगे हम तो सर इसको शॉर्टकट तरीका इसका बताएंगे और दो को इधर जाने से रोक लेंगे और न्यूमेरिकल भी आपसे बनवा देंगे। हमने कहा कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपित गति कहते हैं, ये यू वेग से फेंके, थीटा कोण पर, ये हो गया चला यू कॉस थीटा, ये हो गया चला यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेपित गति में कहीं नहीं बदलता, यू साइन थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ जाता है, और ये हो गया महत्तम ऊंचाई एच मैक्स, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल, चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल करते, क्लियर, सबका अपना अपना फॉर्मूला, कितना डिग्री पे मारेंगे तो महत्तम क्षति में महत्तम दूरी जाएगा, 45 डिग्री, कहेगा प्रक्षेप का पद कैसा करेंगे, परवल के आकार का, परवल का, कहेगा मिसाइल फेंकेंगे बताओ कौन सी गति करेंगे, प्रक्षेप करते, छक्का मारा कौन सी गति, प्रक्षेप करते, बॉल फेंकने पर, मिसाइल फेंकने पर, भाला फेंकने पर, प्रक्षेप करते, कितना डिग्री पे मारेंगे, महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री, प्रक्षेप करते किसको कहते हैं, एक ही समय में दो दूरी तक करेगा, क्षति भी और उदग्र भी, ऐसे पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप करते, क्लियर, मिलते हैं चला ब्रेक के बाद अगली कक्षा में, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए इतना पढ़िए इतना पढ़िए कि अगर 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 82 से 85 भी कट ऑफ जाए तो आपका, उसके लिए चला उठना होगा, जगना होगा, संभलना होगा, मम्मी पापा को देख, तेरा कल देख, 1.5 महीने के बाद तक तो अपना फ्यूचर देख, और कितना डिग्री मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री, एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज और उदग्र तय करेगा, कहेंगे प्रक्षेपित गति, प्रक्षेपित का पद कैसा होता है, परवलय काल, यू कॉस थीटा बदलता है, नहीं, यू साइन थीटा पहले घटता फिर शून्य होता है फिर बढ़ता, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य होता है, नहीं, प्रक्षेप में नहीं, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं, कितना डिग्री मारेंगे 45, महत्तम क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा, यू कॉस थीटा का मान बदलता है, नहीं, यू साइन थीटा पहले घटता फिर शून्य होता है फिर बढ़ता, प्रक्षेपित पथ परवलय काल, भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, प्रक्षेपित गति, अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए सर कि आज के क्लास आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से लिखा हो राजा अपनी तरफ से बतिया, आइए सर हम लोग कहां तक पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सबको सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है सर, हम बात कर रहे थे परास की, परास क्या है सर, क्षैतिज में तय की गई दूरी को हम परास कहते हैं, हमने बात किया था कि अगर 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 ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज में तय की गई जो दूरी है उसी को हम परास कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है यूएस साइन टू थीटा बटा जी, और थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यूएस बाय जी, यानी अगर किसी वस्तु को 100 बार का पूछा हुआ प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगी, अगर वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में कितनी दूरी तय करेगी, महत्तम दूरी तय करेगी, ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वक्त, आते हैं नेक्स्ट में, महत्तम ऊंचाई क्या है, ये आपका महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट, ये जो है आपका ये मैक्सिमम हाइट है आपका, और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं, उदग्र में तय की गई दूरी एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, अगर उड़ान काल की बात करें, उड़ान काल क्या है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं, कहता प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं, टी इज इक्वल टू हो गया 2u sin थीटा बटा g, चढ़ान काल हो गया चढ़ने में लगे समय को, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक या उड़ान काल, अंत बिंदु उच्चतम बिंदु से अंत बिंदु तक आने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं, अगर ये यहां से यहां तक मान लो 10 है तो ये 5 होगा और ये फिर 5 होगा, तो कहता है चढ़ान काल या उतरान काल, टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं, छोटी टी बराबर बड़ी टी बटा 2 यू साइन थीटा बटा जी, यानी अगर हम 2 यू साइन थीटा बटा जी में भाग देंगे तो यू साइन थीटा बटा जी आ जाएगा, यहां तक हम लोगों ने किया था, अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, सबको गुड मॉर्निंग है सर, थीटा और 90 माइनस थीटा पे परास का मान समान होता है, रेंज जो होगा वो थीटा और 90 माइनस थीटा पे समान होता है, लेकिन होता क्या सर, ये फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं रहता, एच आर टी का जो फॉर्मूला है ये किसी को याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता मामला हो जाएगा गड़बड़, मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा सर, एक भी दो अगर आपका इधर से उधर चला गया तो मामला आपका बहुत भयानक तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि आप गौर से देखिएगा कहीं पर दो है कहीं पर दो नहीं है, कहीं पर स्क्वायर में है तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर दो स्क्वायर में नहीं है मल्टीप्लाई में है, यहां दो नहीं है यहां दो नहीं, तो दो कहीं मिल रही फॉर्मूले में गेम है, जो नहीं समझ में आता बच्चों को क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, अब देखिए कि
आप गौर से देखिएगा तो हमने क्या किया है, इसका ऑर्डर आप याद रखिए एच आर टी, ऑर्डर क्या याद रखना है सर, एच आर टी एच आर टी एच आर टी, आप सर ये फॉर्मूला याद करने का आपको तरीका बताते हैं उसी तरीके आप क्या जगह पे याद रखिएगा, आप यूज कर साइन थीटा बटा 2g, आप बराबर टू यूज कर साइन 2 थीटा बटा g, आर टी बराबर टू साइन थीटा बटा g, लेकिन सर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, कहीं याद होगा क्योंकि एक दो इधर से उधर चल गया ना, थीटा बराबर 76 बटा 78 आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाए। हम लोग क्या करेंगे सर, जो लोग रेगुलरली क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है और इस चीज को आपको समझना चाहिए। कहते हैं आप गौर से देखिएगा, सब में u sin थीटा बटा g, u sin थीटा बटा g, u sin थीटा बटा g सब में कॉमन है, आप गौर से देखिए, यहां भी u sin थीटा बटा g है, यहां भी u sin थीटा बटा g है, यहां भी u sin थीटा बटा g, खाली दो जो है ना वो कमीनागिरी कर रहा है, दो कमीनागिरी कर रहा है, अभी दो को कैसे करना है वो आपको समझना होगा, यही दो का गेम आपको समझना होगा। तो क्या करना है सर, आप क्या कीजिए कि इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, हम कहेंगे एच, ध्यान दीजिएगा, उठ के बैठिए, बड़े बड़े एकदम उठ के बैठते नहीं है, नीनाइले रहते हैं, एच आर टी का ऑर्डर रहेगा, सब में u sin थीटा बटा g कॉमन है, ये u sin थीटा बटा g, ये u sin थीटा बटा g कॉमन है, हमने लिख लिया तीन बार यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, सबको गुड मॉर्निंग है, कितने लोग अभी क्लास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी एक लिखिए तो सर, जो लोग क्लास कर रहे हैं सभी लोग एक लिखेंगे, वन टाइप करेंगे, अब वन टाइप करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, एकदम उठ के बैठ जाइए सर, क्योंकि अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है संभालना होगा ना, तो मेरे बाबूजी जब हम सुतल रहते थे, बाबूजी कहते जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, अब आपको देखना हम लोग फट से उठ जाते हैं, हमको पाना है, बहुत धाँ 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 सर फ्रेश होते थे और उठ के बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, अब देख लीजिए आपको क्या करना है, जो भी क्लास कर रहे हैं सर रेगुलरली, अभी जो क्लास कर रहे हैं एक टाइप करेंगे सर, हेलो हेलो, अब देखिए सर, अगर हम बात करें एच आर टी का, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, सब में कॉमन हमने लिख दिया, अब हम इसको क्या करेंगे सर कि अपने मन से ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर 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 स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे, राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे, और दूसरा दो जो मल्टीप्लाई में इसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरा दो जो मल्टीप्लाई में इसको खा जाएंगे, नहीं लिखेंगे, फिर एक दो को नीचे उतारेंगे और दूसरा दो जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, देखो फिर से बता एच आर टी का ऑर्डर, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे, दूसरा दो मल्टीप्लाई उसको खा लेंगे, फिर एक दो को नीचे उतारेंगे, दूसरा दो मल्टीप्लाई उसको खा लेंगे, मास्टर याद कैसे होगा, दो परसेंट घुसा हुआ बताते हैं, मामला गड़बड़ है, हम इसको कैसे याद किया, देखो एच आर टी का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है सर, एच आर टी का ऑर्डर है, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई उसको खा लेंगे, फिर एक दो को नीचे उतारेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई उसको खा लेंगे, हमको जैसे आता है एच का फॉर्मूला बताया, यू साइन थीटा बटा जी, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, यू साइन थीटा बटा जी, या खुद का दिन है यानी सोने चल भाई, कगार का फॉर्मूला बताया एच का फॉर्मूला, यू साइन थीटा बटा 2g होता है, राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे, यू साइन 2 थीटा, नीचे दो से गुणा होगा, हटा देंगे बटा जी हो जाएगा आंसर, बोलन दे कुड़ियाओ कुड़ियाओ तरीका में पढ़ो तो नहीं जाते मामला हो तो गड़बड़ पढ़ने चला पढ़ने तो जब बुरा में दो महीना टाइम है दोनों नहीं डेढ़ महीना डेढ़ महीना यू हैव अ टाइम एच आर टी का ऑर्डर रहेगा किसका ऑर्डर रहेगा सर एच आर टी का यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा मल्टीप्लाई उसको खा जाएंगे फिर एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा मल्टीप्लाई उसको खा जाएंगे फिर से देखो हमने जब देखा कि सब में यू साइन थीटा बटा जी कॉमन यू साइन थीटा बटा जी कॉमन यू साइन थीटा बटा जी कॉमन यू क्या प्रारंभिक थीटा कितने कौन से मारा तुमको दिया हुआ है अब गौर फरमाना हम याद रखेंगे एच आर टी का ऑर्डर है किसका ऑर्डर रहेगा चला एच आर टी 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 ऑर्डर रहेगा चला एच आर टी का ऑर्डर किसका रहेगा एच आर टी का यू साइन थीटा बटा जी कॉमन है ये लो मैंने लिख दिया यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी और ये मैंने लिखा यू साइन थीटा बटा जी ठीक है अब गौर फरमाना कॉमन है ऑर्डर रहेगा एच आर टी ऑर्डर एच आर टी ऑर्डर एच आर टी ऑर्डर एच आर टी का ऑर्डर रहेगा एच आर टी का ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा को कुछ नहीं कहेंगे और एक दो जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे मतलब नहीं लिखेंगे फिर एक दो को नीचे उतारेंगे और दूसरा दो जो मल्टीप्लाई में है उसको खा जाएंगे ऑर्डर रहेगा चाटी का चाटी नहीं तो जिंदगी भर याद करते रह जाएगा तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना देगा तेरा दिन नहीं है कितनों रट्टा माल उठ न रे डेढ़ महीना टाइम बचा मेरा छोटा ऑर्डर रहेगा चाटी का यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा मल्टीप्लाई में उसको खा जाए फिर एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे यही तो करना है अब देखो यू साइन थीटा बटा जी 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 ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे फिर एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे ये तो याद करना इसको प्रैक्टिस कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा हमने क्या कहा हमने कहा यू एच आर टी का ऑर्डर है यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी यू साइन थीटा बटा जी ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई राइट साइड से एक दो को नीचे उतारेंगे दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे बुझा कि ना इसको प्रैक्टिस कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा ध्यान दीजिएगा कहते थीटा 90 मिनट थीटा पे परास्तमान समान होता है ये तो अलग मैटर है अब हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में अगर किसी वस्तु पर 30 डिग्री के कोण पर अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है यानी थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री और यू का मान हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड प्रक्षेपित किया जाता है तो परास का मान क्या होगा रेंज मांगा है रेंज का फॉर्मूला भी हम तुरंत याद किए हैं एच आर टी का ऑर्डर रहता है एच आर टी का ऑर्डर रहेगा एच आर टी का ऑर्डर रहेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी जैसे तरह दिल कर वैसे याद यू स्क्वायर सबको गुड मॉर्निंग है सर यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर जरा सा फॉर्मूला का दो इधर उधर खिसका दिया जब ऐसा बोरा में कि क्वेश्चन वाला ही बनता हो तो दो को इधर से उधर में किसका स्क्वायर में स्क्वायर में जो दो यहां मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में रहे अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर थीटा 30 डिग्री है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास्तमान क्या होगा 10 का स्क्वायर * sin 2 * 30 अब बटा जी का मान 10 ले लो इसलिए 10 ले लो यहां 10 है ये 10 10 गया
साइन 30 दुनी 60, साइन हो गया 10 गुना साइन 60 हो गया रूट 3 बटा 2 इज इक्वल टू 5 रूट 3 मीटर इज द आंसर। राधे राधे, हो गया। अब देखो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास बना हुआ, देखो हमने क्या किया, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया, थीटा का मान 30 डिग्री है, यू का मान 10 मीटर पर सेकंड है, तो आर का मान मांगा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो गया। हम फॉर्मूला में सब कुछ पुट करके ये बिल्कुल आंसर। सर जो भी बच्चे अभी अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं वो एक टाइप करेंगे, जो बच्चे एक टाइप करेंगे इसका मतलब आप अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, और दो टाइप करेंगे जो बैड तरीके से क्लास, जिनका बफरिंग वगैरह हो रहा है या कुछ भी ऐसा। ऑर्डर रहेगा चार्टी का, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से दो गुणा चौथा इनसाइड मल्टीप्लाई इसको खा देंगे, फिर दो गुणा चौथा इनसाइड मल्टीप्लाई इसको खा देंगे। तीन लाइन आप भी याद कीजिएगा, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा टू जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा जी, आर टी बराबर टू यू साइन थीटा बटा जी, लेकिन उसे दो इधर से उधर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। रिफ्रेश मारिए, इसलिए आप मेरे हिसाब से दो लाइन याद कीजिए, और वो दो लाइन क्या होगा सर, तो वो दो लाइन होगा यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी, ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से दो गुणा चौथा इनसाइड मल्टीप्लाई इसको खा देंगे, फिर दो गुणा चौथा इनसाइड मल्टीप्लाई इसको खा देंगे। हम भी तीन लाइन याद करवाएंगे, लेकिन मेरे तीन लाइन में सर फर्क होगा कि आप कैसे याद करते हैं, वो मेरे हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इसके, और भी अगर आप ये शुरू से हम लोग एक बार थ्योरी को देखते हैं सर, ताकि आपका फंडा हम और ज्यादा क्लियर कर दें। देखिए सर, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले कहते किसको है, ठीक है, एकदम आराम से सर सीखिएगा, हम सिखा देंगे, कंडीशन सप्लाई आपको लास्ट तक बने रहना होगा, क्लास जब मैं खत्म कर दिया, मैंने कह दिया ये चैप्टर समाप्त हो गया, तब समझ लो कि अब हमको आया नहीं, नहीं आया तो उसके लिए जिम्मेवार, लेकिन कंडीशन सप्लाई क्लास से सीख चुके रेगुलर। कहते हैं अगर किसी वस्तु को हम इस प्रकार फेंकें कि वह एक ही समय में दो दूरी तय करें, क्षैतिज और उर्ध्वाधर दोनों, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेपित गति, एक लाइन की बात है, तो अगर हम भाला फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, छक्का मारते हैं, पैसे जाता है, ये गति प्रक्षेपित गति है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, अगर हम प्रोजेक्टाइल के फिगर की बात करें, तो आपका फिगर है, हमने आपको कहा था कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेपित गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि यू साइन थीटा पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ जाता है, महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता है, ये यू कॉस थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके दो घटक, दो कंपोनेंट होते हैं, क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा तथा उर्ध्व घटक यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेपित गति में कहीं नहीं बदलता है। वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छे से क्लास कर पाते हैं, बायोलॉजी भी आज सर आज से कल तक मैं अनाउंस कर दूंगा, यू साइन थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है और फिर बढ़ जाता है, कथा एक समान विद्युतीय क्षेत्र, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे करंट चैप्टर में। थीटा के प्रक्षेपण को लिए प्रारंभिक वेग है जी गुरुत्व त्वरण की चढ़ान या उत्तरण काल, आर पर असर टी उड़न काल है, तो हमने कहा रेंज क्या है, रेंज असर क्षैतिज में तय की गई कुल दूरी को हम रेंज कहते हैं, ये महत्तम ऊंचाई है एच मैक्स, चढ़ान काल है, उत्तरण काल है, और उड़ के जाने वाले समय को उड़ान काल। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला यूएस का साइन टू थीटा बटा जी होता है, आर मैक्सिमम यूएस का बटा जी होता है, कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई क्या है, तो मतलब उधर में तय की गई दूरी को मतलब चाहिए कहते हैं, उधर में तय की गई दूरी को मतलब चाहिए कहते हैं, यूएस का साइन थीटा बटा 2g, और उड़ान काल क्या है, चढ़ने और उतरने वाले समय को उड़ान काल कहते हैं, 2u साइन थीटा बटा g, और चढ़ान या उतरान काल क्या है सर, बड़ी बटा 2u साइन थीटा बटा g। अब सर मामला ही है कि आप मजा अगर लेना चाहते हैं अलग बात है, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो सरपाई में तो भोजपुरी सिनेमा देखिए, अब भोजपुरी गाने सुनिए बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी एक सफा बनकर रह जाएगी, कहीं मोबाइल पर खड़ा होकर भोजपुरी गाना देखने के लायक नहीं बचेगा, वैसा लेवल बनेगा, अब देख लेते हैं क्या करना है, ठीक ना, एकदम चला मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा वैसा गड़बड़ नहीं होगा, भयानक वाला गड़बड़ होगा जो तू सोच नहीं सकता, इसलिए पढ़ और लाइव आके तुमको ही पढ़ना चाहिए, ताकि तुमको क्लास वाला फीलिंग मिले, 30-35% तुम्हारा विकास बढ़ जाए, या अभी कहते हैं बाद में तो पछताएगा, वो लाइव रहते सब वीडियो देखते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग देखने लगे तो ज्यादा छुट्टी गया, फिर तो समझ मामला हो जाएगा गड़बड़। देखिए सबका क्लास अच्छे से चल पा रहा है, एक आधा होगा तो उल्टा चल करेगा, क्योंकि खुद के नेटवर्क में समस्या है। उसके बाद हमने कहा कि इसका फॉर्मूला को हम याद कैसे करेंगे, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी कॉमन है, ऊपर में स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे दो से मल्टीप्लाई, राइट साइड से दो नीचे उतारेंगे मल्टीप्लाई इसको खा जाएंगे, या मल्टीप्लाई इसको खा देंगे, फिर एक दो नीचे उतारेंगे दूसरा मल्टीप्लाई इसको खा जाएंगे, खत्म। अब देखिए सर, हम उसके बाद हम सवाल पर आते हैं, तो सवाल का जो मामला है, गौर समझिएगा, जो सवाल का मामला है, सवाल अगर आप दो बातें हैं, आज ही हम 9 से 10 में इसका सारा सवाल करवाने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा था आपको कि जो मैं यहां पढ़ाऊंगा वही मैं वहां पढ़ाऊंगा, कहां 9 से 10 में उसी का न्यूमेरिकल चलेगा, उसी का क्वेश्चन डिस्कशन 7:30 बजे सामने चलेगा। आप कहेंगे एपीए पे नाचिए, इसी पे पैसा दिए हैं, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, क्यों ना हम उसको सर 9 से 10 में पढ़ लें, सारे बच्चों को लाभ मिल जाता है, तो इसका जो सवाल, जो सवाल जो भी सवाल यहां पर है, ये सारा सवाल मैंने आज 9 से 10 में और भी इसमें ऐड करके हमने सवाल दे दिया जो आपको 9 से 10 में मिलेगा। तो मामला ये है कि 9 से 10 में आपको हम न्यूमेरिकल सारे चैप्टर का पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, कुछ का वहाँ पढ़ाया हुआ है तो आप वहाँ से फॉलो कर लीजिए, और नहीं तो जो अभी हम रेगुलर में ये कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाएंगे थ्योरी और 9 से 10 न्यूमेरिकल, जो कि यूट्यूब पर मेरे चैनल पर ऐसे जाकर चैनल आपको लाइव मिल जाएगा आज, और शाम में 7:30 बजे इसका क्वेश्चन डिस्कस, तो आपका तीनों काम हो जाए। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग वो न्यूमेरिकल जो है यूट्यूब पर कर लेंगे, न्यूमेरिकल ऑन यूट्यूब कर लेंगे, वो लोग एक टाइप करेंगे, और जो लोग नो टाइप करेंगे, जो लोग नहीं करना चाहते हैं, जो लोग न्यूमेरिकल ऑन यूट्यूब करना चाहते हैं, कोई थ्योरी यहाँ पढ़ा न्यूमेरिकल वहाँ पढ़ लीजिए, सेम डे आपका चलेगा, इसलिए दिक्कत नहीं होना, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है तो वो भी आपको देख लेना, और जो लोग नो कह रहे हैं वो दो टाइप करेंगे, जल्दी टाइप कर दीजिए सर, थोड़ा इंग्लिश में सर, एकदम इंग्लिश में, मैथ भी सर्कल से आ रहा है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में, 15 सेट का डिस्कशन क्लास आप लोग जरूर कीजिए। चलिए किसी भाई साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल आज ही चलेगा इसका, ऑलरेडी न्यूमेरिकल का पीडीएफ दे दिया गया है, आप एसके झा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, एसके झा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और वहां पर आपको न्यूमेरिकल का पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। वेरी गुड, आज ही 9 से 10 में न्यूमेरिकल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, 9 to 10, ठीक है, उससे सर क्या होगा ना, आप टाइम भी बचेगा और मैक्सिमम हम लोग थ्योरी को कवर भी कर पाएंगे। तो चलते हैं सर हम लोग थ्योरी की दुनिया में, द नेक्स्ट वन इज, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी में।